अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व लह माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वी विल डिस्कस हियर नाउ ए न्यू चैप्टर दैट इज नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारी अर्थ जो होती है ये खाली एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होती है तो लाइफ On the earth depends upon many factors such as air, water, food, soil and energy obtained from the Sun. So life is possible only when there is food, when there is water, when there is air. So if we biosphere, biosphere is the life-supporting zone of Earth. Biosphere is the लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ तो ये वो जोन ऑफ अर्थ है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है तो मैंने पहले ही कहा है कि देयर आर डिफरेंट प्लैनेट्स तो खाली एक ही प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है दैट्स अवर अर्थ अब लाइफ यहां पे क्यों पॉसिबल है क्योंकि हमारी अर्थ पे एक तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है लिथोस्फियर लैंड यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास होती है और यही सब चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है और यही सब चीज़ें इंट्रैक्ट करते हैं एंड द लाइफ बिकम्स पॉसिबल ऑन द अर्थ तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे वायर द एटमॉस्फेयर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ट्रेजर ऑफ गैसेस जिसको हम कहते हैं यहाँ पे वायर द एटमॉस्फेयर द हाइड्रोस्फेयर वाटर वगैरह हाइड्रोस्फियर मीनज वाटर हेयर एंड लिथोस्फियर एंड दिथोस्फियर इंट्रैक्ट एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल तो बायोस्फियर अब वो लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ की जहाँ पे एटमॉस्फियर हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फीयर जो है वो इंटरैक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू तो मेक दी लाइफ पॉसिबल अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो बायोस्फीयर हमारे पास होता है दिस बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ हेयर बायोटिक कंपाउंड्स बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इट आल्सो मेड अप ऑफ हेयर एबायोटिक कंपोनेंट्स तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम यहाँ पे देखेंगे ंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स ये बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दी बायोस्फेर इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एबयोटिक कंपोनेंट्स तो एबयोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्या क्या आएगा इसमें एयर की हम बात करेंगे वाटर की बात करेंगे

Now, if we look at natural resources, these are the materials, these are materials from the earth that are used to support life and meet people's needs. तो जितने भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट तो वो हम यूज किस लिए करते हैं इन आर्डर टू सपोर्ट आवर लाइफ एंड दोज ऑल मटेरियल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स तो नेचुरल रिसोर्स को हम एक और तरीके से डिफाइन भी यहां पर करेंगे अनि नेचुरल सबस्टेंस जो भी नेचुरल सबस्टेंस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी अनि नेचुरल सबस्टेंस दैट ह्यूमंस कैन यूज जो ह्यूमंस यूज करेंगे ह्यूमज यूज कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्स एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहां पर ऑयल कूल नेचुरल गैस और भी यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दैट मीन्स एयर सनलाइट सोइल वाटर एट्सट्रा दिज आर ऑल द Natural resources. Now we will classify the natural resources depending upon.